नहीं है, है ना, उस खेती का तो इन्वेस्टमेंट कर तो दिया, बहुत सारा चीज़ तो कर लिए, लेकिन अब यू नो कभी कभी मृत्यु हो जाती है। जैसे मेरी माँ जो है कुम्हार लोटा में रहती है पटना साली में, तो वो हर साल जाती है, वो कुछ अपना जो फंड होता है ना उसमें जी डाल देंगे या मछली लाएंगे, फिर बाद में भूल जाती है, तो उस तरीके से थोड़ी होता है। तो अब और ये सब प्रशिक्षण के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि नहीं चलिए अगर ये भी गतिविधि करनी है तो इसका भी एक साइंटिफिक तरीका है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। कैडर है आज उनका पता चलता है कि आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं गाँव के स्तर पर, और परियोजना के माध्यम से आप लोग को हम लोग बेसिक बेसिक ट्रेनिंग दिए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों ने और भी बहुत कुछ सीखा होगा। और अंग्रेजी में एक चीज़ कहते हैं ना, हम लोग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम लोग जितना हम लोग अनुभव करें तब जाके हम लोग के अंदर वो पारंगता है। अब जो ऑफिशियल डॉक्टर होते हैं जो लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई की होती है, MBBS डॉक्टर हों चाहे वेटरनरी डॉक्टर हों, ये लोग बहुत कोई एंट्रेंस एग्जाम निकाले होते हैं, 4-5 साल पैसा अपना देते हैं, वो घर से बहुत अच्छा पूरा अध्ययन करते हैं, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ती हैं, बहुत सारा उनका एक्सपर्ट होता है, उनका एक डिग्री मिलता है, उनका एक अहदा अलग होता है, मानते हैं। लेकिन जो गांव के स्तर पे बहुत सारे लोग जिनके पास में उतना संसाधन नहीं है, लेकिन जिन्होंने कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग ली हुई है, जैसे आप लोग आजीविका पशु सखी, आप लोग भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है गाँव के स्तर पर सेवा देने के लिए, है ना, सेवा देने के लिए। तो उस चीज़ को आप लोग समझें, और आप देखेंगे कि झोला छाप डॉक्टर में भी कुछ लोग बहुत लोकप्रिय होते हैं गांव के स्तर पे, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हर झोला छाप डॉक्टर यू नो खराब नहीं होता है, करते करते उसका इतना ज़्यादा हो जाता है कि अरे कौन ले जाएगा, जैसे अगर गांव में है तो कौन ले जाएगा डॉक्टर के यहाँ पे सरायकेला में या फिर टाटा में चांदिल में या आदित्यपुर में, चलो सामने में दिखे जानता नहीं, तो और वो लोग भी इंसान है, अच्छे इंसान है, अपनी सेवाएं दे रही है, डिग्री नहीं है लेकिन उनका अनुभव इतना अच्छा है काम करने का, और उनको दवाई की जानकारी इतनी अच्छी है, पूरा काम करते करते इतना अनुभव आ गया, प्रैक्टिस हो गया है कि उनका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रुतबा है, महत्व है, और उनका कमाई भी अच्छा हो रहा है, और उनका देखिएगा पोजिशन भी अच्छा है, क्योंकि वो उनके घर के बगल में रहता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको एक देखना है कि आजीविका पशु सखी के तौर पर आपके अंदर कुछ जानकारियाँ हैं, आपको ट्रेनिंग दी गई है, और वो प्रैक्टिस करते करते और बढ़िया होता है, ठीक है, सोच के समझ के, एक्सपायरी तो नहीं हुआ है, समझ लीजिए कि प्रखंड स्तर पर अगर कोई प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी है, कभी भी मौका मिलता है ब्लॉक पे आते हैं, उनका फ़ोन नंबर ले लीजिए कि सर हम जैसे पी एस के माध्यम से आजीविका पशु सखी में काम कर रहे हैं, हमको आर सी टी में ट्रेनिंग मिला हुआ है, फील्ड स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे कहीं पर भी अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो उन डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिए, या फिर संजीव सर से ही बात कर लीजिए, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले अति उत्साह में हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में हम लोग हो सकता है कि कभी कभी मिस्टेक भी करें, वैसा नहीं होना चाहिए, 2 मिनट रुक जाए हम लोग, बात कर ले, डेट देख ले हम लोग, है ना, अपना जितना भी जानकारी है उसको हम लोग दिमाग में रिकलेक्ट करें कि कौन सा मौसम में क्या दवाई देना है, कब देना है, है ना, और अगर कहीं समझ लीजिए कि कोई बीमारी का स्तर थोड़ा सा है, कोई बीमारी का स्तर ज़्यादा है, बिछो थोड़ा वाला में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है उसमें अगर कुछ करेंगे तो कुछ परिणाम भी निकल सकता है। तो वो जो बोलते हैं ना कि विश्वास जो नहीं होता, डिमांड नहीं किया जाता है, जैसे आपका जो आप जब काम करेंगे तो समुदाय का आपके प्रति विश्वास जो है वो आप डिमांड करने से नहीं मिलेगा, वो आपको अर्न करना पड़ेगा, मतलब कमाना पड़ेगा काम करते करते। तो इसलिए अभी अभी जो है एक चरण स्टार्ट हुआ है, एक चरण पूरा हुआ है, आप लोग पहले से ही फील्ड स्तर पर काम कर रहे थे, बहुत सारा पारंपरिक जो आप लोग का ज्ञान होता है उसके आधार पर काम कर रहे थे, खेती और पशुपालन जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि आदमी बरसों बरसों से करता आ रहा है, ठीक है, अभी जो नया जानकारी मिला है उसके आधार पर फील्ड में अपना आप लोग दायरा बढ़ाइए, अपना काम करिए, और लोगों का दिल जीतिए, विश्वास जीतिए, और अपना सेवा देना स्टार्ट करिए, और सेवा देने के बाद फिर बाद में जो भी आपका चार्जेस होता है, आपका जो चार्जेस मतलब होता है वो आप लोग अर्न कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं, अपना आजीविका मजबूत कर सकते हैं। दूसरा एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रहेगा आप लोगों को, अभी आज के समय में आप देखेंगे ना कि बहुत सारे सरकारी योजना आता है, जैसे बोलते हैं मुख्यमंत्री पशुधन योजना, है ना, पशुपालन विभाग का बहुत सारा योजना, तो जब भी ये सब योजना होता है आप लोग ये हमेशा सुनिश्चित करें कि प्रखंड स्तर पे जब भी लाभुक का नाम चयनित हो रहा है उसमें आपके माध्यम से जुड़कर के काम करने के लिए बताया गया, तो ये सब जितना भी सरकारी योजना है मुख्यमंत्री पशुधन योजना या जो दूसरे पशुपालन से संबंधित योजना, इसमें जुड़ करके अपना लाभुक के तौर पर अपना नाम जरूर दें, और उसमें फायदा ये होगा कि आप लोग को जब भी वो स्कीम मिलेगा वो स्कीम कभी कभी धीरे चलता है, नाम आज चयन हुआ तो 7-8 महीने बाद कुछ परिसंपत्ति वितरण होगा, कुछ पशु मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग नाम उसमें जरूर दें, प्रखंड स्तर पर जब भी आप लोग काम करते हैं नाम होता है, जैसे कि इसकी कर्मियों को जरूर बोले कि नहीं जब भी ऐसा कोई स्कीम होता है तो लाभों के तौर पर मैं अपना नाम इसमें देना चाहता हूँ, आप लोग जरूर दें, और ये हम लोग को बताया गया है क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कि इनको इधर तो धक्की खाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स है वो ऐसे लाभों का आपको बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना में हम ये करना चाहते हैं, इस गतिविधि में करना चाहते हैं, ये काम करने का हमको अनुभव हुआ है, वो ट्रेनिंग मिला हुआ है,
अपना ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि प्रखंड स्तर पर जब भी लाभुकों का चयन होगा या फिर जिला स्तर पर होगा तो आप लोग का नाम वरीयता के आधार पर पहले होगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, है ना। तो ऐसे ऐसे किसान या फिर ऐसे कृषक जिनको ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है उनसे आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक बोला जाए कि एडवांटेज वाले मुद्रा में है जहाँ पे आपको मिलना चाहिए आपको, है ना। तो आप लोग जो भी इसकी बात नहीं है तो लाभुक के तौर पर अपना नाम जरूर कमेंट करें, जैसे भी इसके कर्मियों को बोले। और जैसा कि शरद जी ने कहा, आप लोग जहाँ भी जाते हैं आप लोग RCT और का नाम जरूर आप लोग शेयर करें, आप लोग का अनुभव बाकी दीदी के साथ साझा करें, क्योंकि हम लोग का RCT के माध्यम से जो डिसिप्लिन के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग है, साल भर आजीविका संवर्धन के लिए आर्थिक गतिविधि किस तरीके से बढ़ाया जाए, डिफरेंट विभिन्न चीज़ों पर ट्रेनिंग आपके यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट जो आते हैं ना यहाँ पे, जो भी प्रशिक्षणार्थी आते हैं उनके चयन में हम लोग कभी कभी दिक्कत होता है, बहुत कुछ मैंने भ्रांति होता है, घर वाले लोग मानते नहीं हैं। तो आप लोग यहाँ पे चूँकि आप लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, आप लोग का इतना अच्छा हो रहा है, आप लोग जाए और RCT और JCPS का एम्बेसडर बन करके बाकी लोगों को, है ना, बाकी लोगों को प्रेरित करें कि नहीं अच्छा ट्रेनिंग होता है, बहुत सेफ माहौल है, खाना ठीक मिलता है, रहने की व्यवस्था ठीक है, और एक अच्छा ही ब्रेक मिलने से क्या है कि यहाँ पे एक बढ़िया से शांत माहौल में बहुत बढ़िया ट्रेनिंग लेकर के आप लोग अपने गाँव में जाएंगे। और जब भी आप लोग यहाँ से जाएँ आप लोग अपने घर के जो भी परिवार के सदस्य हैं वो चाहे हस्बैंड, आप लोग अपना अनुभव बताएं आप, क्योंकि घर का सहयोग जो भी होता है घर का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और महिलाएं तो इतना सारा चीज़ों में इंगेज रहती हैं, इतना सारा मल्टीपल और विभिन्न गतिविधियाँ करती हैं, घर भी देखना है, खेत भी देखना है, बाहर भी देखना है, परिवार वालों को भी देखना है, तो कभी कभी घर वालों को लगता है कि ट्रेनिंग में चलेंगे क्या, सीखे क्या किए। तो आप लोग जाए तो सर्टिफिकेट में लिखा है कि देखिए ट्रेनिंग में हम लोग कोर्ट करके बैठे थे, कभी करके बैठे थे, हम लोग को बहुत सम्मानित तरीके से हम लोग को बताया गया। ये चीज़ जो नहीं होता है आपके घर में एक सकारात्मक एनर्जी लाएगा, ऊर्जा लाएगा, और वो लोग भी आपको हर गतिविधि में आप लोग सहयोग, और जब सहयोग जब आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि ऐसा समय है कि आप लोग का गतिविधि जो नहीं होता है वो घर को बचाए, पति तो खेत में काम कर रहे थे, खेत दूर गया धान बर्बाद हो गया, लेकिन पति ने जो काम किया पशुपालन वाला घर के आसपास में वो टिका के रखा हुआ, पति भी उसको सहयोग करें। ये बहुत जरूरी है कि अपना लाइफ पार्टनर और जो भी आपके जीवन साथी हैं उनको आप लोग घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बताएं कि ट्रेनिंग ऐसा भी था और हम लोग अब इस तरीके से काम करने जा रहे हैं, और हमको लगता है कि आप लोग काम करेंगे तो उसे परिवार वालों का बहुत सहयोग रहेगा, और एक परिवार जब पूरा एक आप लोग का 10 दिन का जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छा भी था। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप लोगों ने यहाँ से सीखा है उसको बहुत अच्छे तरीके से खेलेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, तो आगे के भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बात बताइए, बहुत अच्छा है। हाँ देखिए, एक सुखमती है सर, ये देखिए वो जानवनी से आई हुई है, राजनगर बहुत दूर से, एक किसान एक साल का बच्चा तो छोड़ के आई है, और उसका सास जो है देखभाल कर रही है बच्चा को, और इसका सास बोले कि भाई कुछ भी हो जाओ तुम ट्रेनिंग में जाओ, बच्चा को हम देखेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपको वहां पर लेके जाएंगे। ये देखिए सर स्टेटस, तो ये सब देख के हम लोग को बहुत विचित्र लगता है, तब हम लोग को भी लगता है कि अरे ट्रेनिंग तो हम लोग किसी भी हालत में मतलब जो है वो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी यहाँ के माध्यम साहब भी बताए कि ये जो है पशुधन जिसको हम लोग बोलते हैं, पशु एक प्रकार का धन है, हम बतख के साथ मुर्गी के साथ आपका बकरी के साथ गाय, ये सब हम लोग रखते हैं, तो ये सब हमारा आमदनी का एक जरिया है, और ये जरिया जो है आपको अभी मिला है, और इसको किस तरह से हमको ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से पालना है, और इसके द्वारा किस तरह से हमको इससे फायदा लेना है, ये चीज आपको जानकारी होगी। दूसरी चीज है, डॉक्टर साहब इतना एक्सपर्ट डॉक्टर साहब है, उनका प्रैक्टिकल इतना अच्छा है कि उसको वो कोई गलत नॉलेज दे ही नहीं सकता। दूसरी बात है, फोन नंबर भी दिए हुए, अगर आपको गाँव देहात में किसी भी तरह से फील्ड में काम करने में कोई भी समस्या भी आती है तो बोलेंगे सर आपको अगर डिजीज प्रॉब्लम होता है या कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप में फोटो खींचिए और मेरे को भेजिए, मैं उसका आपको बीमारी बताऊंगा और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करने के लिए सलाह दूंगा। ये भी बात बोले तो ये कितनी बड़ी बात है भाई, ये छोटी मोटी बात नहीं है, इतना डॉक्टर साहब लोग कितना बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए इतना कुछ करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज को आप लोग समझिए और आगे का रास्ता जो है आप लोग खुद ढूंढिए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रेंथ आपका बन चुका है, ठीक है, अब इस स्ट्रेंथ का फायदा उठाकर आप आगे बढ़ने का एक हौसला दिखाइए, ठीक है। तो चलिए हमारे DPM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत सारा आशीर्वचन दिए, आपका भविष्य हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो और आप जो है आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए सर के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3 सर आप कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द सर। जो
हमारी दीदी प्रोफेशनल बन गई है। हम समूह में जब जाते हैं तो दीदी लोग बात नहीं कर पाती है, या उन्हें ये चखती है कि हम कैसे सर लोग आए हैं, कैसे बात करेंगे। बस यहाँ जो 10 दिन में आप लोग के बीच में जो बदलाव हुआ है, आप में जो बदलाव हुआ है, अब क्या ये बदलाव हम आपके समूह में देख सकते हैं और आपके सीरियल में? तो हम लोग को भी जैसे इतने बात बात में लोग इतने मोटिवेशन वाला बात कर रहे हैं, तो जैसे आपको देखकर हम लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि आपकी इच्छा शक्ति से 2-3 दिन हम लोग सुने, अब इतना खुशी हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि ये चीज हम आपके समूह में भी देखें, क्योंकि हमारे समूह से ही हमारी पहचान है ना। आप कैडर अपने समूह से बने हैं, अपने ग्राम संगठन से बने हैं, तो आपका एक कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने समूह को भी कुछ दें। तो सर्वप्रथम जाकर ये जो चीज भी हम सीखे हैं, जो हमारा सर्टिफिकेट है, अब वो सर्टिफिकेट तभी काम आएगा जब हम उसको कार्य करेंगे। और सबसे पहले अपने घर में काम करेंगे, हमारे बीच में ही अगर हमारी घर में बकरियां स्वस्थ नहीं रहेगी तो दूसरा हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तो हमारी बकरियां जब स्वस्थ रहेंगी, वो हमारी धन का काम करेगी कि हम कभी भी बेचकर कुछ भी अपनी आर्थिक समस्या को दूर कर सके, तब दूसरा बगल वाला घर वाला भी प्रभावित होगा कि दीदी का बकरी जब अच्छा है तो हमारा बकरी भी अच्छा होगा। तो अपने स्तर पर सबसे पहले अपने घर घरेलू स्तर पर से बढ़ाइए, फिर अपने गाँव स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर, है ना। तो यही हम देखना चाहेंगे। और ये जो भी अपना आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके सब, हम वो सैल्यूट करने वाला काम हो जाएगा। ग्राम संगठन में एक ही बैठक में दिखा देंगे सब। और देखिए, और सबसे पहली बात एक और बताते हैं कि जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने तक ही प्रयास कर सकते हैं। अब ये नहीं सोचेंगे कि हम तो सब कुछ किए थे और वो बकरी मर गया, मेरे में कुछ कमी है या मेरे तरीके में कुछ कमी है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि हम लोग फील्ड में जाएंगे तो हर तरह का चीज होता है, कोई मरे जो इधर उधर घूम के भी कोई बकरी स्वस्थ रहता है, कोई हेल्प हम जितना केयर करेंगे फिर भी मर जाता है। तो वो नकारात्मक कभी अपने में आने मत दीजिएगा, है ना। और अच्छे से कार्य करिए और जैसल पीएस का और अपने समूह का नाम रोशन करिए, आरसीटी का, इतने सर लोगों ने आप लोगों आपके पीछे इतना मेहनत किया, उसका नाम रोशन करिए। धन्यवाद सभी को, ऑल द बेस्ट।